guys. Hi, this is Richa. I'm Shlok. I'm Ritika. And welcome back to our channel, What the Fam 2.0. Finally, हम उसके आउट पे आ गए हैं, आउट पे भी होने वाला जो भी है अब 15th आने वाला है. हम 11th देखते हुए कह रहे थे 15 आना जल्दी से. And इन लोग का पूरा जो भी ट्विस्ट आना है, जो आना है उसका वेट हम काफी है ना, वो स्टोरी वही कि अब ये थोड़ी और स्ट्रॉन्ग दिखेगी. अब वो पार्ट आ गया है मुझे लगता है. हो सकता है एक और फॉल बाकी हो अब तक, मे बी वो जो कॉल है उससे वही लास्ट फॉल हो कुछ एक. अब आई थिंक वो बेबी होने के बाद उनको वो एक स्ट्रॉन्ग होती है, ऑटोमेटिकली आता है वो. देखते हैं एपिसोड 14 पार्ट 3. मुझे अशर से बात करनी है. अशर सर इस वक्त ऑफिस में नहीं है मैम. मुझे पता है वो ऑफिस में, मेरी उनसे बात कराएं. कह रही हूँ मेरी अशर से बात कराएं. सर आप ले आज तो तुमने यहाँ पे फोन कर लिया. आईना मत करना क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो. ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ. अब से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं. नखरे खत्म हुए थोड़े. मुझे माफ कर देना मेरी बेटी कि जब तुमने इस दुनिया में आँख खोली, जब इस दुनिया में पहली सांस ली, तो तुम्हें इज्जत और अपना नाम देने वाला तुम्हारा बाप तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था. मुझे माफ कर देना मेरी जान कि मैं उस जालिम शख्स से तुम्हारा वजूद तस्लीम ना करवा सकी. ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो जिसने अपनी ही बेटी के वजूद को एक गंदी गाली बना दिया. तुमसे सामना अब मैं सिर्फ रोजे हशर चाहती हूं अशर हुसैन. इस दुनिया में नहीं, इस जिंदगी में नहीं. यहां तुम ताकतवर और मैं कमजोर हूं. जब मुझ पर जुल्म हुआ तो सबसे बड़े जालिम तुम थे. मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी. कयामत के दिन तक याद रखूंगी मैं. और उस रोज जब मीजान कायम होगा, जब सबसे बड़ी अदालत लगेगी, सब मुनसिफों से बड़ा मुनसिफ इंसाफ कर रहा होगा, तब तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी. तुम्हारी सारी ताकत उस रोज खाक में मिल जाएगी. जब तक मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी अशर, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा. और अशर हुसैन, अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूं, उस रोज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी. बहुत फेथ दिख रहा था. बच्ची काफी कमजोर है, पैदा भी तो वक्त से पहले हुई है ना. अच्छा फायदा तो मेरा काम करो बेटा, यावर से कहो कि जल्दी से मुझे बैंक से पैसे निकाल के ला दे. अस्पताल में काफी खर्चा हो गया है.
और अभी मुझे फिरत और बच्ची की दवाएं भी मंगवानी, ठीक है? जीती रहो बस, जल्दी से यावर को बैंक भेजो। खुदा हाफिज़। किरण, हरीम सो गई? जी। डॉक्टर ने जो उसके लिए नई दवाएं लिखी थी ना, वो मैंने मंगवा ली। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं बितुल खाला? आप वैसे ही बहुत खर्चा कर चुकी हैं हरीम की पैदाइश पर। तुम कैसी बातें कर रही है? क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती? बतुल खाला, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। जब सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दी तो आपने मेरा साथ निभाया। मैं और मेरी बच्ची आप ही की वजह से जिंदा है आज। अब तुमने क्या सोचा है? अफशीन से बात की है मैंने जॉब के सिलसिले में। उसी के स्कूल में एक मैथ के टीचर की जरूरत है। क्या जॉब करोगे तुम? मैं और बोझ नहीं बनना चाहती आप पे बतुल खाला, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती। अपनी और हरीम की जिंदगी आप बनाना चाहती। क्या तुम कराची नहीं जाओ? बशर से नहीं मिलोगी? नहीं। देखो, तुम्हारा गुस्सा और नाराजगी बजा, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें कराची जाकर बशर से मिलना चाहिए। फोन पर बात करने की वो अहमियत नहीं होती जो आमने सामने बात करने की होती। जब हरीम पैदा होने वाली थी तो तुम सफर के काबिल नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा। हो सकता है कि अशर के दिल में तुम्हारे लिए गुदाज ना हो, लेकिन बेटी के लिए तो गुदाज होगा उसके दिल में। बतूल खाला, अशर का दिल गुदास हो या सा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशर हुसैन मेरे लिए मर चुका है। वो तुम्हारी बेटी का बाप है और तुम लोगों के दरमियान जो ये बदगुमानी है, ये अशर की माँ ने करवाई है। वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, वरना अशर तो तुमसे मोहब्बत करता था। मोहब्बत? उसने मुझसे कोई मोहब्बत नहीं की बतुल खाला, ये उसका मनपसंद खिलौना थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन ज्यादती नहीं हुई है मेरे साथ बतुल खाला। मुझे मेरी हैसियत दिखाई गई। जिस शख्स को मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मेरी हस्ती खाक में मिला दी, मेरी रूह को मार डाला उसने, मुझसे जिंदगी में सर उठा के जीने का हक छीन लिया उसने। मेरी बेटी के वजूद को एक शर्मनाक गाली बना दी। अशर तुमसे बदगुमान, तुम उससे नाराज, इस तरह तो तुम लोगों में दूरी बढ़ती ही चली जाएगी, और यही उसकी माँ का मकसद है। और जब तुम अलहदा हो जाओगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। बतूल खाला, फरीदा हुसैन कौन थी और उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं। याद है तो सिर्फ ये कि जिस शख्स ने मुझे जिल्लत और रसवाई दी, वो इस सारी दुनिया में मेरा एक वाहिद अपना था। हरीम के पैदा होने का लम्हा, अशर हुसैन के इंतजार का आखिरी लम्हा था। तुम्हारी हर बात सही, तुम्हारा गुस्सा बजा, तुम 100% हक पर हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कि तुम एक बेटी की माँ भी हो, तुम किस तरह उसे अकेले परवरिश करोगी? जिंदगी में खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आया या मुश्किल आई तो तुम कैसे उसका मुकाबला कर सको? क्या जिंदगी में इससे बुरा वक्त भी आ सकता है बतूल खाला? क्या उस रात से बुरा वक्त कोई और हो सकता है? जब मैं अपनी बच्ची को अपने कोख में ली, अंधेरी रात में
खुले आसमान तले बिल्कुल तनहा सरवाइव कर सकती हूँ, मेरी बेटी सरवाइव कर सकती है, तो हम दोनों अपनी जिंदगी उस शख्स के बगैर गुजार सकते हैं। सोच समझ के फैसला करना, जो भी कुछ कर।